हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 8000। तो अगर आपका बजट 8000 है या फिर 8000 के आसपास में है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको यहां से आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन सा फ़ोन परचेज करना चाहिए अंडर 8000। जितने भी कलेक्शन हैं हमारे पास उन सभी में कम 4000 mAh से बड़ी बैटरी होनी चाहिए। साथ में मेन कैमरा 13 MP से ज़्यादा होना चाहिए। उसके साथ साथ HD+ की स्क्रीन होनी चाहिए। तो इस बात का हमने ध्यान रखा है। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज का जो कार्यक्रम है उसको स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पांचवें नंबर से। पांचवें नंबर पर जो फ़ोन है वह आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M01, जिसकी प्राइस है 7499 रुपये। और यह आपको रिलायंस डिजिटल पर बहुत ही आसानी के साथ अवेलेबल मिल जाएगा। 3 GB RAM है, 32 GB स्टोरेज है। साथ में आप लोग 512 GB तक microSD के थ्रू अपनी स्टोरेज बढ़ा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और इस फ़ोन में आपको 5.7 इंच की HD+ TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें लगा है Snapdragon 439, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में। अगर बात करें इस फ़ोन के कैमरा की तो आपको 13 MP + 2 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा। साथ में 5 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉयड 10 पर यह रन करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 4000 mAh की बैटरी भी आपको देखने को मिल जाएगी। 7499 की प्राइस रेंज में यह बेस्ट फ़ोन है, इसलिए यह पांचवें नंबर पर है। अगर सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो इस फ़ोन में आपको फेस अनलॉक मिल जाएगा, बट इस प्राइस रेंज में आपको फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा, जो कि इस फ़ोन में भी नहीं है। अब हम बात करेंगे चौथे नंबर के स्मार्टफोन के बारे में। जो चौथे नंबर का फ़ोन है वह है Redmi 9A। थोड़ा सा पुराना मॉडल ज़रूर है, बट इस प्राइस रेंज में काफ़ी बेहतर है, इसलिए यह नंबर 4 पर है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो यह इस समय आपको Amazon पर मिलेगा 8299 रुपये, बट सेल वगैरह में आपको यह फ़ोन 8000 से नीचे देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें रैम की तो इसमें 3 GB की रैम, 32 GB की स्टोरेज है। साथ में आप लोग इसमें मेमोरी कार्ड के थ्रू 512 GB तक इसकी जो स्टोरेज है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अगर बात करें इसकी डिस्प्ले की तो इसमें 6.53 इंच की HD+ डिस्प्ले लगी हुई है। अगर बात करें प्रोसेसर की तो आपको इस फ़ोन में प्रोसेसर मिल जाएगा MediaTek Helio G25, जो कि काफ़ी बेहतर प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में। अगर बात करें कैमरा की तो इसमें आपको सिंगल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा। 30 MP का बैक कैमरा प्लस 5 MP का सेल्फी कैमरा, जो कि ठीक ठाक फोटो क्लिक कर लेता है। और यह फ़ोन एंड्रॉयड 10 पर रन करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इस फ़ोन में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि इस प्राइस पॉइंट में काफ़ी अच्छी बात है। जो तीसरा स्मार्टफोन है वह काफ़ी ज़बरदस्त है, ब्रांड है ओप्पो। अगर मॉडल नंबर की बात करें तो है Oppo A12, जो कि आपको 8490 रुपये में देखने को मिल जाएगा रिलायंस डिजिटल पर। बट उस पर हमेशा ऑफर चलता रहता है 5% डिस्काउंट का, तो आप लोग इसको 8000 के अंदर बहुत ही आसानी के साथ खरीद सकते हैं। अगर रिलायंस डिजिटल पर ऑफर नहीं है तो आप लोग इसको ओप्पो स्टोर से खरीद सकते हैं 8200 रुपये के प्राइस रेंज में। अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें आपको मिल जाएगा 3 GB RAM, 32 GB की स्टोरेज, प्लस आप 256 GB तक SD कार्ड की मदद से एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी स्टोरेज को। उसके साथ साथ आपको इसमें मिल जाएगा MediaTek 6775V का प्रोसेसर, जो कि 12 nm पर बिल्ड है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में। अगर बात करें कैमरा की तो इसमें आपको रियर में डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है 13+2 का। अगर बात करें सेल्फ़ी कैमरा की तो इसमें आपको 5 MP की सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें इस फ़ोन की बैटरी की तो इस फ़ोन में आपको मिल जाएगा 4200 mAh की बड़ी बैटरी। और इस फ़ोन की एक खास बात यह है कि इस फ़ोन में आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट, इसी वजह से यह फ़ोन तीसरे नंबर पर है। फिंगरप्रिंट के साथ साथ आप लोग फेस अनलॉक भी लगा सकते हैं। अगर बात करें एंड्रॉयड वर्जन की तो इस फ़ोन में आपको मिलेगा Android version 9, जो कि थोड़ा सा पुराना वर्जन है, बट ठीक ठाक है इस प्राइस रेंज में। अगर बात करें इस फ़ोन की डिस्प्ले की तो इसमें आपको मिल जाएगा 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले, जो कि काफ़ी ब्राइट है। तो अब आगे देख लेते हैं सेकेंड नंबर वाला स्मार्टफोन। जो दूसरे नंबर का फ़ोन है वह है Infinix Hot 10 Play, जो कि Flipkart पर आपको मिल जाएगा 8300
300 रुपये में। सेल वगैरह में यह फ़ोन 8000 के नीचे आपको बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगा। अगर इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फ़ोन में आपको मिल जाएगा 3GB की रैम, 32GB की स्टोरेज, उसके साथ साथ आप लोग इसमें मेमोरी कार्ड के थ्रू 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं स्टोरेज को बहुत ही आसानी के साथ। इस फ़ोन में आपको बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 6.8 इंच की डिस्प्ले है जो कि HD+ रेजोल्यूशन के साथ आती है। उसके साथ साथ अगर कैमरा की बात करें तो इस फोन में आपको रियर साइड में मिल जाएगा डुअल कैमरा का सेटअप, जो कि मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, प्लस उसके साथ साथ एक डेप्थ सेंसर भी है। अगर बात करें फ्रंट कैमरे की तो इस फोन में आपको मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो कि काफी अच्छी खासी फोटो क्लिक कर लेता है। अगर बात करें इस फोन के प्रोसेसर के बारे में तो इस फोन में आपको मिल जाएगा मीडियाटेक हीलियो G35, जो कि इस प्राइस रेंज में काफी बेस्ट प्रोसेसर है और यह आपको डे बाई डे लाइफ में काफी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। यह फोन एंड्रॉयड 10 पर रन करता है। 6000 mAh की बड़ी बैटरी आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगी और इस फोन में आपको 3 खासियत देखने को मिलेगा। नंबर 1, बड़ी बैटरी। जो सेकंड वाला ऑप्शन है वह है बड़ा डिस्प्ले। जो थर्ड वाला ऑप्शन है वह है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। उसके साथ साथ आपको इस फोन में मिल जाएगा बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट, जो कि काफी अच्छी बात है। आप लोग इस फोन में फेस लॉक भी लगा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो अब आइए देखते हैं नंबर 1 पर कौन सा फोन है। अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। जो नंबर 1 पर स्मार्टफोन है वह है पोको C31। दोस्तों यह फ़ोन काफ़ी यूनिक है, इसका इन हैंड फील काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि इसका जो बैक पैनल है वह डुअल डिज़ाइन में आता है। ऊपर की तरफ आपको थोड़ा सा शार्प दिखेगा, बट नीचे की तरफ आपको थोड़ी सी लाइनिंग दिखेगी, जिससे आपको बहुत ही अच्छी ग्रिप मिलती है इस फ़ोन को पकड़ने के लिए। अगर बात करें इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा 3GB रैम, 32GB की स्टोरेज, उसके साथ साथ आप लोग इसमें 512GB तक का मेमोरी कार्ड लगा के एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी स्टोरेज के। इस फोन में यूज़ किया गया है HD+ का डिस्प्ले, जिसकी साइज है 6.5 इंच, जो कि काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है। अगर बात करें कैमरा की तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। तो दोस्तों इसके पहले जितने भी फ़ोन थे, किसी भी फ़ोन में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को नहीं मिला था। उसके साथ साथ इस फ़ोन के कैमरे में आपको मिल जाएगा नाइट मोड, आप नाइट में भी बहुत ही अच्छी फ़ोटो और वीडियो क्लिक कर सकते हैं इस फ़ोन के थ्रू। इस फ़ोन में आपको मिल जाएगा 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, उसके साथ साथ आपको इस फ़ोन में मिलेगा 5000 mAh की बड़ी बैटरी और यह फ़ोन रन करता है एंड्रॉयड वर्जन 10 पर। अगर इस फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फ़ोन में यूज़ किया गया है मीडियाटेक हीलियो G35, जो कि इसके पहले वाले भी फ़ोन में यूज़ किया गया था। तो प्रोसेसर सेम है, बाकी इस फ़ोन का जो लुक्स है, जो डिज़ाइन है, कैमरा का सेटअप है, उस वजह से यह फ़ोन नंबर 1 पर आता है। इस फ़ोन के फ्रंट और बैक दोनों कैमरे से आप 1080p तक 30fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और यह कुछ जो यूनिक फीचर्स हैं वह इस फ़ोन को लाते हैं नंबर 1 पर। आपके हिसाब से कौन सा फ़ोन किस नंबर पर होना चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका जो सारा डाउट है वह डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका बजट है 8000 रुपये या फिर 8500 रुपये, तो आप उस प्राइस रेंज में इस फ़ोन को बहुत ही आसानी के साथ परचेज कर सकते हैं। पोको C31 की जो प्राइस है वह फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी 8499 रुपये, यानी कि 8500 के अराउंड में। बट आप इस फोन को बहुत ही आसानी के साथ सेल में परचेज कर सकते हैं 8000 के अराउंड में। आई होप कि आपका जो सारा डाउट है वह क्लियर हो गया होगा और आपको आइडिया भी मिल गया होगा कि आपको किस स्मार्टफोन के साथ जाना है। सारे स्मार्टफोन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप लोग वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए IT मस्ती यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।